दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड से हैं तो आपने एनओ और एनसी दो वर्ड जरूर सुने होंगे। अगर आप बिल्कुल बेसिक के ऊपर बात कर रहे हैं, अभी 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 आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट बिल्कुल नए आए हो, तो आप एनओ एनसी बहुत सुन रहे होंगे। और दोस्तों, अगर आप एनओ एनसी में कन्फ्यूज हो रहे हो, तो आपके इस वीडियो के अंदर मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों, एनओ क्या होता है, सबसे पहली चीज मैं आपको ये डाउट क्लियर करूँ। एनओ की फुल फॉर्म होती है नॉर्मली ओपन। तो दोस्तों, इसकी जो फुल फॉर्म होती है, इससे ही हमको पता चल जाएगा कि एनओ क्या होता है और एनसी क्या होता है। तो दोस्तों, एनओ की मैंने आपको फुल फॉर्म बताया, नॉर्मली ओपन। इसके अलावा दोस्तों, एनसी जो होता है, उस एनसी की जो फुल फॉर्म होती है वो होता है दोस्तों नॉर्मली क्लोज। ठीक है, अब नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज में अंतर क्या है? तो दोस्तों, सिंपल सी बात है, एनओ का मतलब है नॉर्मली ओपन, मतलब नॉर्मल कंडीशन में ये ओपन रहेगा, और एनसी का मतलब है नॉर्मली क्लोज, मतलब नॉर्मल कंडीशन में, मतलब हमने इसको कोई भी मूवमेंट नहीं दे रखी है तो ये क्लोज रहेगा। तो दोस्तों, आप इंडस्ट्री में गए होंगे और इस इंडस्ट्री के अंदर आपने देखा होगा एनओ एनसी पुश बटन बोलते हैं। तो दोस्तों, वो इसको बोलते हैं, ये होते हैं हमारे एनओ एनसी पुश बटन। अब इसके पीछे भी लिखा हुआ है, जैसे ये है एनओ और इसके पीछे अगर आप देखोगे तो इसके पीछे आपको दिखेगा एनसी। तो दोस्तों, ये है हमारे एनओ एनसी पुश बटन, इसको बोलते हैं दोस्तों पुश बटन, इसको बोलते हैं दोस्तों पुश बटन। और ये जो होता है दोस्तों पीछे का, ये होता है दोस्तों एलिमेंट, ये यहाँ पे स्क्रूज खुल के यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आखिर एनओ एनसी है क्या? तो दोस्तों, एक तरह का दोनों हमारे एक तरह का एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब एक तरह का स्विच मान सकते हो आप, एक तरह का स्विच है। तो दोस्तों, स्विच किस तरीके से होता है, जैसे ये हमारे दो कॉन्टेक्ट होते हैं। अब कोई भी स्विच है तो आपको पता है उसके अंदर दो कॉन्टेक्ट तो होंगे। स्विच का काम क्या होता है दोस्तों, बंद और चालू करने का। तो दोस्तों, यही इसमें भी होता है। तो अगर मैं एनओ की बात करूँ, तो जैसे भी आपको मैंने ग्रीन कलर का एलिमेंट दिखाया, इस पे लिखा हुआ है एनओ। अभी दोस्तों, ये जो रेड कलर का जो एलिमेंट है, ये रेड कलर का एलिमेंट भी मैं इस पे लगा सकता हूँ और यहाँ पे मैं इसको टाइट कर सकता हूँ। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप ऊपर से पता कर लोगे कि आखिर ये एनओ है या एनसी है। वैसे दोस्तों, हम अधिकतर क्या करते हैं, जो एनओ होता है, इस एनओ में हम ग्रीन कलर ही उपयोग में लेते हैं, और जो एनसी होता है, उस एनसी में हम रेड कलर का पुश बटन ही उपयोग में लेते हैं। पर दोस्तों, ऐसा फिक्स नहीं है, हम कहीं पर भी अगर हमको जरूरत है तो हम यूज कर सकते हैं। हम इस ऊपर ग्रीन है और नीचे रेड को भी लगा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो डिजाइन होती है दोनों सेम ही होती है। भी मैं यहाँ इसको करके सेट और यहाँ से अगर मैं इसको टाइट कर दूंगा, तो ऊपर तो ग्रीन कलर का पुश बटन है, पर अंदर जो है मेरा एनसी कॉन्टेक्ट लग रहा है। तो दोस्तों, जैसे मैंने भी आपको बताया कि दोनों ही एक तरह के स्विच ही है ऑन ऑफ करने के। आपने आपके घरों के फैन जो है उसको बंद चालू करने का स्विच देखा है, उसके अंदर दोस्तों क्या होता है, जैसे ये कुछ इस तरीके दो कॉन्टेक्ट होता है। मैं इसके अंदर जैसे मैंने फेस वायर दिया, और जैसे ही मैं उस स्विच को ऑन करता हूँ तो मेरा जो फेस वायर है, वो फेस वायर मेरे इसमें से निकल जाता है, यही होता है। और ये जो वायर है मेरा फैन में जाकर कनेक्ट हो जाता है और मेरा फैन चल जाता है। तो दोस्तों, ये क्या है, ये स्विच भी एक तरह का हमारा एनओ कॉन्टेक्ट होता है। जब ये बंद रहता है, यानी बंद है तब हमारा एनओ है, और जब चालू होगा तब ये हो जाएगा एनसी। अभी मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों, जैसे मैंने भी एनओ कॉन्टेक्ट की बात करी, और मैं अगर आपको यहीं पे एनसी भी बना दूं तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों, ये होता है हमारा एनसी। ठीक है, अब दोस्तों देखो क्या होता है दोनों में फर्क। एनओ के अंदर मैंने फेस दे रखा है, ठीक है, मैंने इधर फेस दे रखा है, तो मेरा फेस इधर मेरे को नहीं मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों ये आपको एलिमेंट दिख रहा है, ये एलिमेंट ऊपर की साइड है। तो दोस्तों, जब तक मैं इसको आके दबाऊंगा नहीं, जब तक मैं इसको ऊपर से आके फोर्स नहीं दूंगा, जैसे ये मेरा कॉन्टेक्ट है, जैसे मेरा ये पीछे कॉन्टेक्ट है एनओ, तो जब तक मैं इसको ऊपर से फोर्स नहीं दे रहा हूँ, तब तक ये क्या हो रहा है दोस्तों, एलिमेंट ऊपर का ऊपर ही रहेगा। और जैसे ही मैं इसको यहाँ से आके फोर्स दूंगा, यानी इस पर मैं जोर लगाऊंगा, तो दोस्तों देखिए पीछे भी इस पर कुछ डिफरेंस दिख रहा होगा। तो दोस्तों देखिए, आपको यहाँ पे कोई डिफरेंस दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, ये एलिमेंट नीचे आ रहा है जैसे मैं इसको फोर्स दे रहा हूँ। तो दोस्तों, नॉर्मली ओपन का मतलब जब तक मैं इसको दबा नहीं रहा, यानी नॉर्मल कंडीशन में ये ओपन है, मेरा फेस यहाँ से यहाँ नहीं मिलेगा, और जब मैं इसको दबाऊंगा तब मेरा फेस यहाँ मिलेगा। अब दोस्तों, एनसी की बात करें तो एनसी का मतलब हो गया हमारा नॉर्मली क्लोज। तो नॉर्मली क्लोज का मतलब दोस्तों, मेरा फेस अगर मैंने यहाँ कनेक्ट कर रखा है, तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे टेस्टर लगाऊंगा, मेरा ये टेस्टर इधर लगाता हूँ, तो मेरा ये टेस्टर ग्लो होगा, मतलब मेरा फेस मेरे को इधर मिल जाएगा। तो दोस्तों, एनसी का मतलब क्या हुआ, नॉर्मली क्लोज, यानी नॉर्मल कंडीशन में जब तक मैं इसको फोर्स नहीं लगाता हूँ तब तक मेरा फेस यहाँ मिलता रहेगा। अब दोस्तों, अब क्या अंतर होगा दोनों के अंदर, वो भी मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों, जैसे मैं वापस से एक बार एनओ बनाता हूँ, ये मेरा हो गया एनओ, ठीक है, एनओ आप समझ गए, ये है एनओ, ठीक है। और दोस्तों, मैं यहीं पर बनाता हूँ एक बड़ा एनसी, ठीक है, ये हो गया हमारा एनसी। अब दोस्तों देखो, एनओ के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने इधर फेस दिया और इधर भी मैंने एनसी में फेस दिया, ठीक है। तो दोस्तों, मेरा फेस एनओ से इधर नहीं निकलेगा जब तक मैं इसको दबाऊंगा नहीं, क्योंकि है नॉर्मली ओपन, और जैसे ही मैं इसको दबाता हूँ तो मतलब अब यह है नॉर्मली ओपन नहीं रहा, मतलब नॉर्मल कंडीशन में ओपन रहेगा, और जैसे ही मैं इसको फोर्स दूंगा तो ये नीचे आ जाएगा। तो नीचे आने के बाद दोस्तों कैसा दिखेगा, ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा जो फेस इधर है, वो मेरे को फेस मेरा आउटपुट में इधर मिल जाएगा, ठीक है, इधर मिल जाएगा। तो दोस्तों, एनओ जैसे ही मैं इसको फोर्स देता हूँ तो ये एनओ पुश बटन हमारा क्लोज हो जाता है और मेरा फेस दूसरी साइड मिल जाता है। पर दोस्तों, एनसी के केस में क्या होता है, एनसी के केस में होता है दोस्तों देखो,
ये कुछ इस तरीके का था। तो दोस्तों जैसे ही मैं इसको फोर्स दूंगा ऊपर से, जैसे ही मैं इसको ऊपर से फोर्स दे रहा हूँ, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ये फोर्स देने के लिए इसमें, तो मैं इसको जैसे ही फोर्स देता हूँ तो मेरा ये जो कॉन्टैक्ट है, इसमें जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट मेरा आ जाता है नीचे, ये नीचे आ जाता है। तो मैंने जो फेस मेरा कंटिन्यू एनसी के ना, मेरा फेस यहाँ से कंटिन्यू मिल रहा था क्योंकि ये है नॉर्मल कंडीशन में क्लोज, क्लोज का मतलब दोनों कॉन्टैक्ट आपस में क्लोज होंगे। तो दोस्तों मेरा जो फेस यहाँ मिल रहा था, जैसे ही मैं इसको फोर्स दूंगा तो ये कॉन्टैक्ट नीचे आ जाएगा और मेरा फेस यहाँ मिलना बंद हो जाएगा। तो दोस्तों ये फर्क होता है। अब दोस्तों इसका उपयोग कहाँ ले सकते हैं, इसका उपयोग देखो दोस्तों ऐसे ले सकते हैं, जैसे मैंने एक यहाँ पे फैन कनेक्ट कर रखा है ना, फैन का मतलब आप घर का कोई भी लोड मान सकते हो, फैन ले सकते हो, टीवी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे फैन कनेक्ट कर रखा है। तो दोस्तों जैसे ही मैं, अगर मैं यहाँ पे एनओ पुश बटन लगा दूंगा, एनओ पुश बटन लगाऊंगा तो जैसे ही मैं इसको दबाता हूँ तो मैं दबाने के बाद मेरा फेस यहीं पे रुक जाएगा, तो मतलब मेरा फैन नहीं चलेगा। और जब मैं इसको दबाऊंगा तो मेरा क्या होगा, कंडीशन कुछ इस तरीके की हो जाएगी। और इस तरीके की कंडीशन होने के बाद मेरा फेस यहाँ से मेरे को मिल जाएगा और यहाँ पे मेरा फैन हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे हमारा एनो कॉन्टैक्ट यूज ले सकता हूँ कहीं कुछ भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए। और दोस्तों एनसी का काम क्या रहेगा, एनसी का काम इसी फैन को मैं बंद करने के लिए ले सकता हूँ। इसी फैन को बंद करने के लिए कैसे, क्योंकि दोस्तों देखो अगर यहाँ से मेरी फैन में सप्लाई कंटिन्यू जा रही है और मेरे को फैन को बंद करना है तो मैं इसको दबा दूंगा और मेरी सप्लाई इधर की इधर रुक जाएगी, इधर नहीं जाएगी तो मेरा फैन बंद हो जाएगा। तो दोस्तों ये मेरा बेसिक वीडियो था उन लोगों के लिए जो इलेक्ट्रिकल फील्ड में बिल्कुल नए आए हैं। दोस्तों मैंने कुछ चीज़ें सोची है इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में। मैं सोच रहा हूँ दोस्तों मैं एक वेबसाइट ओपन करने की, अगर आप चाहते हो कि आप कुछ भी चीज़ें पढ़, ये जो हमारी चीज़ें है इलेक्ट्रिकल की या फिर किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड की, वो आप दोस्तों पढ़ना चाहते हो यानी हिंदी में पढ़ना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं बहुत जल्द एक वेबसाइट स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ, आप मुझसे वहाँ भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ा हुआ है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं, आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।